प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में जुमलों का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके फैंस काफी पसंद भी करते हैं, लेकिन कभी कभी उनका फैक्ट चेक भी कर लेना चाहिए, खासकर तब जब उनके जरिए आपसे वोट मांगे जा रहे हो। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने राजस्थान में अपने एक भाषण में कहा कि मनमोहन सरकार ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसमें पीएम मोदी जिस भाषण की बात कर रहे हैं उसे चेक करके पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुसलमानों की ही नहीं एसटी एससी ओबीसी सभी की बात की है कि इन सबको विकास का फायदा मिलना चाहिए। आई बिलीव आवर कलेक्टिव प्रायोरिटीज आर क्लियर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एसेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट नीड्स ऑफ जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. और इसमें सबसे गौर करने वाली बात ये है कि मनमोहन सिंह ने मुसलमानों या किसी के भी भारत के संसाधनों पर पहले अधिकार की बात नहीं की है, बल्कि पहले दावे की बात की है। फर्स्ट क्लेम और फर्स्ट राइट में काफी फर्क होता है। नेताओं का किसी कम्युनिटी के बारे में या अपोजिशन लीडर के बारे में झूठ बोलकर वोट मांगना कुछ नया नहीं है, बल्कि खुद पीएम मोदी जी ऐसा कई बार कर चुके हैं। लेकिन कम से कम मीडिया को ऐसी बातें पब्लिक के सामने अच्छे से उजागर करनी चाहिए ताकि एक आम आदमी अपने लिए सही और एक अच्छा ऑप्शन चुन सके। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ऐसा लिखा हुआ है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। पर जब हमने कांग्रेस का मैनिफेस्टो अच्छे से चेक किया तो हमने देखा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ये भी सरासर झूठ है। आखिरकार प्रधानमंत्री जी को इस तरह के झूठ क्यों बोलने पड़ रहे हैं? कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। जय हिंद।